ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਆਰ ਜੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਲੋ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਵੈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਔਰ ਕੁਛ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਸਵਿੰਗ ਪੇ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇ ਇਸੀ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਵੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਔਰ ਸਾਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਵਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਟੂ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਐਮ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਔਰ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੇ ਨਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਿਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਲੇ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋ ਮਿਲੇ Yes, definitely. Bilkul. Lovely, lovely. तो मैं ना शुरुआत में जब मैंने कोट बोला था आपके लिए आपकी शान में जब मैंने कोट अर्ज किया था वो ये था कि entrepreneurship या तो भी वो के अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो work hard right now and party for the rest of your life or party right now and then work hard for the rest of your life. आपने पहले वाला चुना है आपने इतना वर्क हार्ड किया है दैट आपकी आगे वाली जिंदगी ऑफ कोर्स आप लगातार वर्क हार्ड तो करते रहेंगे बट इट्स अ पार्टी सो आप सबसे पहले अगर मैं ये बोलूं क्योंकि कोविड के दौरान भी अगर हम कहें विजन इंडिया ग्रुप या निर्वाना ग्रीन्स वो अपस्विंग पे ही रहा है तो आपकी की लर्निंग्स क्या होंगी इस समय कोविड 19 क्राइसिस से बिजनेसेस और लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जी मीनाक्षी अभी कोविड में हमें एक चीज का आइडिया हुआ है कि पहले हम लोग काम अपना सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते थे सुबह से रात तक सिर्फ अपना काम 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 और फैमिली को हमने पीछे फैमिली को हम टाइम नहीं दे पा रहे थे और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम अपनी हेल्थ को ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो इस बार कोविड में लास्ट वेव जो आई थी और अब जो सेकंड वेव आई है हमने यही देखा है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है काम बहुत जरूरी है काम के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ अपनी फूड अपना लाइफस्टाइल ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपका पैसा आपका कुछ चीजें आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उस टाइम पर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अगर अच्छी होती तो आप इन चीजों से बच सकते थे तो साथ में यही है कि अगर काम भी आपको करना है अगर जैसे हम रियल स्टेट की अगर बात करें तो एट अ टाइम हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ नहीं करें एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर फोकस रहेगा तो उसको हम उतने ही अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे उतने ही हमारा जो अपना कुछ डाइवर्सिफाई किसी और चीज के ऊपर हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे एक फोकस जो है हमारा 100% एक ही प्रोजेक्ट पर रहेगा तो आई थिंक कोविड के टाइम पे या कोविड से पहले भी हम लोग भागते रहते हैं काम के पीछे हम अब ये हमने फोकस किया है कि एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट करें 100% अपनी डेडिकेशन के साथ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली को टाइम दें अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करें हेल्थ के ऊपर लाइफस्टाइल के ऊपर And Harvard Business Review में सुमिति कहा भी गया है कि there is a diet for leaders. So there's a particular diet that leaders follow. तो वो जो आपने कहा कि वो diet follow करी health का ध्यान रखा वो भी तो leadership है. Because अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो if health is gone then everything is gone. Yes, 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 yes. So कहीं वो आपने कहा और Warren Buffet जो है उन्होंने कहा था multitasking is a myth. तो आपने कहीं वो point एक बताया है कि जब हम फोकस करें एक ही चीज पे फोकस करें और फिर अपने आप चीजें बेहतर होती चली जाएंगी राइट यस 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 ग्रेट फैंटास्टिक सुमित अब ट्रेंड्स अगर हम देखें तो पिछले लॉकडाउन में रियल एस्टेट में काफी डिमांड देखी गई थी लेकिन क्या इस बार भी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिगर डिमांड होगी क्योंकि हर कोई आज की डेट में चाहता है कि उसका एटलीस्ट एक अपना घर हो वो किराए के घर में ना रहे जो मैंने फीडबैक लिया लिसनर्स से भी आप क्या मानते हैं क्या बिगर बूम आएगा इस बार और यस मीनाक्षी लास्ट टाइम कोविड में जो टाइम स्पेंड किया था घरों में सभी ने तो और इस टाइम जो सेकंड वेव आई है इस वेव के आने के बाद घर में हमें जो टाइम स्पेंड करना पड़ा हर किसी को पता लगा कि अपनी हेल्थ जरूरी है उसके बाद आपकी फैमिली जो है आपकी वो सिक्योर होनी बहुत जरूरी है तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है कि उनको एक घर देना हर कोई जो भी रेंटल्स पर जा रह रहे हैं लोग या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेंटल्स पर इस टाइम पर कोविड के टाइम पे मेजरली ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी फैमिली को सिक्योर करें अब आपको पता है कि हिमाचल हो गया जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली जो प्रॉब्लम्स आई हैं ट्राई सिटी में मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं और एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर तो लाइफस्टाइल जो है वो बेटर है यहाँ का आपको पता ही है चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग जो है
तो सभी को अब लास्ट टाइम भी यही था कि जितनी जल्दी हो सकता है सभी ने कोशिश की थी अपनी फैमिली को एक सिक्योर घर मिल जाए, ताकि फैमिली आराम से, फैमिली और बच्चे सेफ रहें, आप वर्क करें उसके बाद आप अपने, और अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बहुत ज्यादा चल पड़ा है, तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट कम है, तो अच्छा घर हर कोई ढूंढ रहा है, तो इस बार पहले से बहुत ज्यादा बूम आएगा, हमें बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही हैं। जैसे लोग ट्रेवल कर पाएंगे, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, लोग ट्रेवल करेंगे अपनी फैमिलीज के लिए, अच्छी लोकेशंस पर अच्छी प्रॉपर्टीज परचेज करेंगे, और हाउस जो है उसको परचेज करने के बाद आपकी रेंटल्स जो है आप पे कर रहे हैं वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में चला जाता है, और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा आई थिंक जो अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड है बहुत ज्यादा आने वाली है इस टाइम पर। Absolutely. और मुझे लगता है निर्वाणा के पास तो हर किसी के लिए हर कुछ है. जैसे हम जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, कोई मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होता है, तो आपका ये मल्टी कुजीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ अगर आपकी पॉकेट साइज इतनी है, चाहे आप स्टूडेंट है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं. आपकी पॉकेट साइज थोड़ी ज्यादा है, आप मिडिल क्लास में है, फिर अपर मिडिल क्लास के लिए, फिर द रिच के लिए अगर हम बात करें, तो वो तो आपने पूरा बूफे लगाया हुआ है. बिल्कुल हर किसी के लिए सब कुछ मिलेगा. यस, हम वर्किंग वही कर रहे हैं जो जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, हम वही चीज क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास 19 लाख से लेकर 1.5 CR तक की प्रॉपर्टीज हैं, रेडी टू पोजेशन प्रॉपर्टीज हैं, तो हर कोई अवेल 19 लाख से लेके हमारे पास बहुत अच्छे प्राइसिंग में बहुत अच्छे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हम अफोर्डेबल वाली चीजें ही क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि हर कोई जो सैलरीड क्लास है वो परचेज कर सके, और बहुत ज्यादा हम ग्रीनरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, कि ग्रीन बहुत ज्यादा हो, ओपन एरियाज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कोविड के टाइम पे घर में आपको पैक रहना पड़ता है, प्लीज आप कॉमन एरियाज में घूम सकते हैं, पार्क्स में घूम सकते हैं, तो उस लेवल पर हम वर्किंग कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे हमें टाइम भी बहुत मिला है आगे सोचने के लिए क्या हम डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चीजें अब हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में अपने इनपुट्स अपने डाल रहे हैं। बिल्कुल. मुझे जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है आप तो नींद में भी कुछ सोचते होंगे कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ. सो यू नो यू आर सो इंस्पायरिंग सुमित. ऑनेस्टली यू आर योर सेल्फ सच यंगेस्ट, यू आर द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर. इनफैक्ट हमारे एक्सेलेंस अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स के अलावा एक अवार्ड आपका ये भी था, यू नो द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर. तो आप बाकी एंटरप्रेन्योर्स को, जो यंग और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने नया नया शुरू किया है और वो सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे सुबह? मैं मैसेज यही दूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ करें, खुश होकर करें, और अपने काम को ही अपनी हॉबी बना लें। अगर आपको लगता है कि आपको काम करने में मजा आ रहा है तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको अपना 100% काम को अपने फोकस करके देना चाहिए। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपको खुशी खुशी हो कि हाँ मैंने ऑफिस जाना है और काम करना है, ऐसे दुख हो के ये कि यार ऑफिस जाना पड़ रहा है आज मंडे है, ऐसा कुछ नहीं होना बिल्कुल. चाहिए। आपको 100% फोकस होके अपने पेशेंस लेवल जो है वो रखना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आई थिंक हार्ड वर्क ही है जो मेन आपका सक्सेस है। सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क 100% चाहिए, पैशन चाहिए, और आपको काम, अपने काम में आपको अपना शौक होना चाहिए कि मेरा, आपको पैशन होना चाहिए, मैं, मेरी हॉबी है ये, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कुछ कर रहे हैं। अगर मजबूरी में करें तो बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल बिल्कुल. और एक एंथुजियाज्म जो आपने कहा कि यू नो यू हैव टू जंप आउट ऑफ द बेड, मॉर्निंग में आप सोचो कि ओ मैं, मुझे आज काम करना है, आज ये करना है, वो करना है, उस एक्साइटमेंट के साथ जब आप उठते हो, तो वैसे ही फिर चाहे कितना ही काम आ जाए, जब ओवरलोडेड भी हो जाओ तब भी मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल के करीब है वो काम, जैसे यस आपने यस कहा यस यस अगर पैशन. आपको काम, अपने काम करने में मजा आता है और आपको शौक है उस चीज का, तो आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपका, आप अपने मन से कर रहे हैं वो चीज, अपने दिल से कर रहे हैं, अपने 100% जो एफर्ट्स है आप वो लगा रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं कर रहे, तो उस चीज में सक्सेस जो रेट है वो बहुत हाई है आई थिंक। Absolutely. कितना अच्छा सा आपने बताया, और मन से बताइए हमें जरा, माय बिजनेस इनसाइडर आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मीनाक्षी, बहुत आप जो आपने किए हैं, और मैंने इंटरव्यूज देखे हैं आपके, काफी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज के आपने किए हैं इंटरव्यू, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, इससे पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में, कोविड के टाइम पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। थैंक यू सो मच. और हमें आप जैसे पॉजिटिव लोग वर्चुअली ही मिल जाए तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है. सो इट इज एक्चुअली इट्स अ म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी दैट वी डेफिनेटली हैव, एंड वो डेफिनेटली हमेशा रहेगी. थैंक यू सो मच. दिस वाज सुमित गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर निर्वाणा ग्रीन्स विजन इंडिया ग्रुप. थैंक यू सो मच सुमित, अपना टाइम देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल बातें वो भी इतने शॉर्ट में आप बताने के लिए. थैंक यू सो मच. इट वाज अमेजिंग हैविंग यू ऑन माय बिजनेस इनसाइडर. थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। चलो आज कुछ अच्छा।